आपकी मंच पे उपस्थित अतिथियों का स्वागत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा एजाज। हमारे साथ डीके सोनी जी हैं और हमारे साथ शिक्षा वीर, सभी विषयों में बात हुआ, शिक्षा के विषय में हमारे छूट गया था, वो पूरा करने के लिए आप हैं हमारे साथ। डीके सोनी जी से आधा अधूरा चर्चा हो पाया था, पूरा चर्चा करने के लिए इनको फिर से बुलाया गया है। तो डीके सोनी जी से ही शुरुआत करूंगा मैं। जो ऐसे भ्रष्ट अधिकारी है जिसका नींद हराम आप करते हैं, चैन से सोने नहीं देते हैं, कैसे आपको पता चलता है कि भ्रष्ट हो रहा है? देखिए, विभीषण हर जगह रहते हैं, तो हर विभाग में हर जगह विभीषण है। जहां से मुझे सूचना मिलती है वह स्वयं सामने न आकर मुझे बताते हैं। और बहुत सारे लोग, आपको मैं बताना चाहूंगा, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि भगत सिंह पड़ोस के घर में पैदा हो, मतलब बलि का बकरा और फांसी चढ़ना हो तो दूसरा हो, मुझे बताते हैं। लेकिन मैं जब तक किसी भी मामले की सत्यता तक नहीं पहुंचता हूं तब तक मैं कोई भी कार्यवाही नहीं करता हूं। और मेरा काम करने का तरीका अलग है, इसीलिए आज मैं यहां पे हूं, नहीं तो संभव नहीं था कि मैं आपके सामने बात कर सकूं। मैं जो भी काम करता हूं पूरे दस्तावेजों के तहत काम करता हूं, और मुद्दे को जब भी उठाता हूं तो जब तक पूरे दस्तावेज को कलेक्ट नहीं करूंगा तब तक नहीं। अभी आपको मालूम होगा कि बलरामपुर जिले में 350 करोड़ रुपए का जमीन घोटाले का खुलासा मैंने किया। शिकायत बहुत पहले की थी, शिकायत के बाद जांच का आदेश हुआ, कलेक्टर ने टीम गठित करके जांच करवाई और जांच प्रमाणित हुई। क्यों? क्योंकि मैंने दस्तावेज इतने दे दिए थे कि उसको इनकार नहीं किया जा सकता है, झुठलाया नहीं जा सकता है। दस्तावेज कभी नहीं मरता है, दस्तावेज हमेशा रहता है। तो दस्तावेजों के आधार पर मैं जो काम करता हूं वही मेरे सफलता है, और मैं इसी के चलते भ्रष्ट अधिकारियों और भ्रष्ट लोगों की नींद हराम होती है, इसीलिए शायद बहुत सारे अवार्ड भी आपको मिले हैं। हाँ, अब देखिए, मैं उस हैसियत से काम नहीं करता हूं, कोई कुछ भी बोलता रहे, मैं अपना उद्देश्य रहता है कि मैं बस सिर्फ काम करते जाऊं। अगर आप किसी भी काम को अच्छे तरीके से करोगे तो उसकी सफलता जरूर आपको मिलेगी, और कहीं ना उसका प्रतिफल मिलता है। तो प्रतिफल के रूप में मुझे कुछ संस्थाओं के द्वारा अवार्ड मिल रहे हैं, और अभी तक सरगुजा जिले में मुझे पूरे जगह से नेशनल इंटरनेशनल मिला के 30 अवार्ड मिल चुके हैं, और मैं लगातार काम करने के उद्देश्य से ही यह कर रहा हूं। निश्चित तौर पर शिक्षा की अगर बात करें तो सरगुजा में शिक्षा का स्तर कैसा देखते हैं, कितना आगे तक शिक्षा में काम हो सका? हेलो, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी साधना न्यूज द स्पेशल प्रोग्राम सरगुजा की बात। सरगुजा में जहां तक शिक्षा का स्तर है, नो डाउट पहले की तुलना में तो खैर काफी अच्छा हो चुका है। एज वी नो दैट एजुकेशन प्लेस अ वेरी वाइटल रोल इन अवर लाइफ फॉर इंटायर लाइफ, यू बेटर से। तो शिक्षा का विशेष ध्यान रखना है तो प्राइमरी लेवल पे शिक्षा का स्तर अच्छा हो, जितना अच्छा होगा वो व्यक्ति जीवन में उतना ही आगे बढ़ पाएगा। और हमारे यहाँ पे क्या होता है कि जो प्राइमरी लेवल है, स्पेशली खास करके शहरों की बात अगर छोड़ दी जाए तो स्पेशली इन विलेजेस एरिया, वहां पे एक खाना पूर्ति टाइप का काम हो रहा है। इसीलिए वहां के बच्चे आप देखेंगे कि मतलब वो लोग अनभिज्ञ रहते हैं बहुत सारी बेसिक जानकारी की तुलना में। और इवन अगर शहरों की बात की जाए तो भाई कोई डॉक्टर इंजीनियर या कोई भी बड़ा ऑफिसर तब बनेगा जब उसकी बेसिक क्वालिफिकेशन अच्छी हो। सो व्हाट इज द रोल ऑफ द स्कूल, स्पेशली द टीचर अपॉइंटेड फॉर दैट, है ना? खाली डिग्री लेना हमारा मकसद अगर होता तो आज आप पूछेंगे क्या करते हैं, टीचर हैं, या कोई टीचर बनना नहीं चाहता, जिससे पूछेंगे वो डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहता है।
लेकिन उसकी बेसिक चीज क्या है, प्लस टू लेवल तक का जो पढ़ाई है, क्या उसका लेवल, क्या वो टीचर्स फुलफिल कर पा रहे हैं वहां पे? नहीं कर पा रहे हैं। तो उसको एक मॉनिटर करने का एक सिस्टम ऐसा होना चाहिए। मैं इस न्यूज के माध्यम से कहना चाहूंगा कि स्कूल लेवल पे एक ऐसी कमेटी हो जहां पे इस चीज को एग्जामिन करे, एक्सेप्ट द एग्जामिनेशन, कि क्या बच्चा उस 10th लेवल का है या नहीं। जस्ट अटेंडिंग योर फंक्शन, आई वॉज वंस सीटेड इन द इंटरव्यू ऑफ आत्मानंद स्कूल, बिकॉज गवर्नमेंट हैज प्लेइंग ए वेरी वाइटल रोल, है ना, वो बहुत अच्छा करना चाहती है, बट उसका लेवल किस तरह के टीचर वहां पे थे मैं आपको बताऊं कि बीइंग ए केमिस्ट्री टीचर, वाटर, वाटर हम सब जानते हैं, पानी, उसका फार्मूला नहीं बता पा रहे थे टीचर। आई वॉज सो फेड अप टू नो दैट कि हमारे टीचर जो पढ़ाने जा रहे हैं इंग्लिश मीडियम में, वो वाटर का फार्मूला नहीं बता पा रहे। तो मेरा मतलब है कि टीचर जो अपॉइंटेड हो वो वास्तव में उसको मतलब डिजर्व करते हो। तब तक ये नहीं होगा, तब खाली डिग्री क्या है? डिग्री तो आप देखेंगे कि लोग जहां फेल हो जाते हैं तो ओपन स्कूल से भर देंगे, हम वहां से पढ़ के पास हो जाते हैं, परसेंटेज भी आ जाता है, उनको नॉलेज नहीं रहता। आपको बताता हूं कि भी इसके पहले मैं डीएवी के इंटरव्यू में गया था, अभी पिछले 8-10 दिन पहले, वहां पर भी मैंने देखा कि बहुत सारे डिग्री है लोग के पास, लेकिन दे डोंट डिजर्व दैट पर्टिकुलर प्राइमरी टीचर, यू कांट बिलीव। सो मुझे बड़ा दुख है, मैं इस चैनल के माध्यम से ही कहना चाहता हूं कि स्कूलों में जो शिक्षा का स्तर है उसको मॉनिटर करने के लिए एक अलग से टीम हो, जो एक्सपर्ट की टीम हो, जो वास्तव में क्लास में जाए तो देखे इस चीज को कि वास्तव में क्या बच्चा पढ़ा है। 8वीं लेवल का बच्चा है, उसको कुछ नहीं आ रहा है। अभी आप अंबिकापुर की बात कीजिए, बहुत बड़ा शहर बोलते हैं, बहुत डेवलपमेंट हुआ है, पर ढंग के स्कूल अगर आप ढूंढने जाएं तो नहीं मिलेंगे। कोई पेरेंट्स ऐसा नहीं है कि एक बार बच्चे को डाल दिया तो निश्चित हो कह सके कि हाँ आई हैव गॉट ए बेटर अपॉर्चुनिटी। एक स्कूल है होली क्रॉस, है ना, वो पढ़ा दिया जो भी पढ़ाए, या दो गिने चुने स्कूल है, तो क्या उससे हमारे सरगुजा का विकास होगा? नहीं। स्कूल की बाढ़ है यहाँ पे, आप देखिएगा कि जो 8वीं क्लास तक के स्कूल है मोर देन 200 आई थिंक। क्या कर रहे हैं वो लोग, क्या पढ़ा रहे हैं, कैसे सरकार ने उनको परमिशन दी है? जब तक आप एक एजुकेशन नहीं है, हाउ कैन यू रन द स्कूल? सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरा करने से नहीं होता ना। खाली मेरा ऐसा पसंद मानना है कि स्कूल उनको दिया जाए जो वास्तव में शिक्षा के क्षेत्र में कुछ किया हो, जिन्होंने, जिनको नॉलेज हो, जो अपने लेवल पे देख सके कि मेरे लिए, मेरे बच्चों का वास्तव में डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा। मुझे बहुत दुख है, आई हैव बीन सिंस मोर देन 24 ईयर्स आई हैव बीन टीचिंग द सब्जेक्ट केमिस्ट्री, आई हैव बीन द स्टूडेंट ऑफ दिस सरगुजा, आई फील प्राउड टू से दैट कि मैं यहां पढ़ा हूं सर्व गवर्नमेंट स्कूल में, एंड आई हैव गॉन टू अब्रॉड ऑल्सो। मैं दुबई भी पढ़ाया, मैं डीपीएस में पढ़ाया, मैं बहुत जगह पढ़ाया सर। तो मेरे सरगुजा से अच्छी जगह कोई लगी नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पे एजुकेशन का स्तर बहुत अच्छा होना चाहिए, जिससे कि हमारे सरगुजा का जो विकास होगा वो हर तरफ होगा। अभी हॉस्पिटल की बात हो रही थी, पेशेंट्स की बात हो रही थी, है ना, डॉक्टर्स की बात हो रही थी, मतलब समटाइम्स आई एम नॉट ब्लेमिंग पर्टिकुलर डॉक्टर, मोस्ट ऑफ द डॉक्टर आई हैव सीन दे आर नॉट एबल टू डायग्नोसिस द थिंग्स, टेल टू यू व्हाट हैपेंड यू एक्चुअली, दे आर डूइंग द ट्रीटमेंट फॉर अ लॉन्ग टाइम। हम पढ़े लिखे हैं तो हमको थोड़ा समझ में आता है, बाकी लोगों को समझ में नहीं आता। तो मैं चाहता हूं कि प्राइमरी स्तर पे सबसे ज्यादा एजुकेशन पे ध्यान देने की आवश्यकता है, और जब तक ये नहीं होगा सर, तो डिग्री तो बहुत लोगों के पास है, लेते रहेंगे लोग डिग्री, यहां से जाते रहेंगे, और ऐसा नहीं कि सरगुजा से बहुत अच्छे लोग पढ़ के नहीं निकले। आई बिलोंग टू डीएवी पब्लिक स्कूल्स, एंड मैंने देखा है कि वहां भटगांव जैसे एरिया में सर, रिमोट एरिया में, कोरोना टाइम पे एक बच्चा था, वो खुद से पढ़ के जेई पहले ही अटेम्प्ट में निकाल लिया। ठीक है, किसी ने अपना नीट का एग्जाम निकाला, है ना, पेरेंट्स कितनी आशा रखते हैं कि हमारा बच्चा अच्छे से पढ़े, उसके पीछे बहुत पैसे बर्बाद करते हैं वो। आप देखिए यहां से पढ़ने के बाद, 12वीं पढ़ने के बाद सीधे बच्चे कोटा की तरफ जाते हैं, और कोटा का क्या सिचुएशन आप देख रहे हैं, कितना फ्रस्ट्रेशन हो रहा है लोगों में। तो मैं चाहता हूं कि पढ़ाई हो तो अच्छे से पढ़ाई हो, और उसको मॉनिटर करने का काम गवर्नमेंट का है तो उसको अच्छे से मॉनिटर करे, सारे स्कूल को करे, किसी पर्टिकुलर को नहीं, एक टीम बनाए, और समय समय पर उसको एक टेस्ट ले, उसका टीचरों का भी ले कि क्या आपने उस क्राइटेरिया को फुलफिल किया है, है ना, तब जाके ये एजुकेशन स्तर अच्छा होगा और हमारा सरगुजा बहुत आगे बढ़ेगा, मेरा ऐसा मानना है। निश्चित। डीके सोनी जी, आप सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, आप अगर देखा जाए शिक्षा के विषय में बात हो रही है,
ग्रामीण शिक्षा की बात करूं, कई बार देखा जाता है वहां के शिक्षकों को, कई बार हमने खबर भी दिखाई है, वहां की शिक्षा व्यवस्था कैसी होती ग्रामीणों की? देखिए, शिक्षा पे बात हो रही है और ग्रामीण क्षेत्रों में शासन बहुत सारी सुविधाएं देती है, शिक्षकों को काम करने की भी पूरी छूट दी जाती है, लेकिन सही तरीके से अपनी जिम्मेदारियों को वह पूरा नहीं कर पाते हैं। संसाधनों का अभाव भी कुछ रहता है। अगर मॉनिटरिंग अच्छी हो तो स्वाभाविक है कि शिक्षा का स्तर सुधरेगा। आप देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे टीचर हैं जो सिर्फ सिग्नेचर करने जाते हैं और ड्यूटी अपनी जिम्मेदारी को सही तरीके से नहीं करते। आज के जमाने में ऐसा होता है क्या? बिल्कुल होता है, बिल्कुल मैं बता रहा हूं, बहुत सारे उदाहरण हैं। आज भी अभी कुछ दिन पहले ही एक जांच अभी हमारे जो कलेक्टर साहब हैं उन्होंने पूरे मॉनिटरिंग के लिए अधिकारियों को नियुक्त किया है और हर अंतिम छोर तक के स्कूलों में जाकर जांच करना है कि शिक्षक सही समय में जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो वह जाए और अभी एक शिक्षक गए तो वहां पता चला कि एक शिक्षक अनुपस्थित था और वह एप्लीकेशन दे के रखा हुआ था पहले से एडवांस में, तो और जिस दिन गए उस दिन उनकी अनुपस्थिति कर दी, बाकी दिन में सिग्नेचर उनके द्वारा किया गया। तो ऐसे काम भी किया जा रहा है, लगातार शिक्षकों पे अगर कड़े से प्रहरण हो तो कार्रवाई हो तो शिक्षा का स्तर सुधरेगा। तो आप दोनों मेहमानों को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा सर। धन्यवाद डीके सोनी जी। मैं स्मृति चिन्ह के लिए बुलाना चाहूंगा अब्दुल रशीद जी को कि आज मंच पर उपस्थित समस्त दोनों अतिथियों का स्मृति चिन्ह भेंट करेंगे। काफी व्यस्तता के बीच हमारे बीच में